तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। लास वेगास में पुलिस ने शनिवार को टेक ऑफ के ठीक पहले हवाई जहाज के विंग्स पर चढ़ने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लास वेगास में पुलिस ने शनिवार को टेक ऑफ के ठीक पहले ही आदमी जिसे एलेंजाद्रो कार्लस के रूप में पहचाना गया, वो मेकेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टरमैक पर चढ़ गया और अलास्का एयरलाइंस के विमान के विंग्स पर चढ़ने में कामयाब रहा। लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने कहा, यह विमान तक पहुंचने के लिए हवाई अड्डे की बाड़ पर चढ़ गया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ओरेगन के लिए उड़ान भरने से पहले 41 वर्षीय स्टंट किया। 45 मिनट तक फ्लाइट वही खड़ी रही। प्लेन के विंग्स पर चढ़ने के बाद उसने अपने जूते और मोजे भी उतार दिए थे। हवाई जहाज के अंदर यात्रियों द्वारा फिल्माया गया वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हवाई जहाज के यात्री एरिन इवांस ने न्यूज को बताया है कि यह निश्चित रूप से मेरे जीवन में देखी गई सबसे अजीब चीजों में से एक थी। एलेंजाद्रो कार्लस ने स्टंट का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें सैकड़ों हजारों और नाराज प्रतिक्रियाएं हैं। अलास्का एयरलाइंस ने यूएसए टुडे को दिए गए एक बयान में कहा कि उड़ान टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी, जब पायलट ने विमान की तरफ एक व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखा तो पायलट ने टावर को सूचित किया, कानून प्रवर्तक को भेज दिया गया। एलेंजाद्रो कार्लस को पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्हें मामूली चोटों के लिए इलाज के लिए लेके जाया गया और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए क्लार्क काउंटी जेल में बुक किया गया। मामले की जांच शुरू है।